कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद क्या उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी सियासी मैदान में एंट्री करेंगे? ये सवाल सियासी फिजा में चारों तरफ गूंज रहा है और अब इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। पहले तो खुद रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में फेसबुक पोस्ट के जरिए संकेत दिए थे कि वो राजनीति से जुड़ने को इच्छुक हैं। और अब यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। इन पोस्टर में लिखा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा जी, मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आपका स्वागत है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही रॉबर्ट वाड्रा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि मैं बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। महीनों और सालों तक लोगों के बीच काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आम जनता के लिए बड़े स्तर पर कुछ करने की जरूरत है। खास तौर पर यूपी में काम करने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ काफी कुछ करना बाकी है। मेरे हिसाब से बीते कुछ सालों में सीखे गए अपने अनुभवों को यूं ही बेकार होने देना सही नहीं है। जब रॉबर्ट वाड्रा से राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर लगे तथ्यहीन आरोपों से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस पर काम करना जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। इसके लिए किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हूँ। लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ, ये सब वक्त की बात है। हालांकि कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति में एंट्री की खबरों से इनकार किया है। कांग्रेस का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा लंबे समय से विभिन्न एनजीओ से जुड़े हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति में एंट्री पर आपकी क्या राय है, बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और पूर्वांचल की ऐसी ही लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए पूर्वांचल लाइव के साथ।